हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस का सेकंड सिक्स चैप्टर कराऊंगी। नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस। व्हाट ए फन वुड बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज। कितना मजा आए अगर हमारे पास कोई जादुई ताकत हो जिससे हम चीजों को आसपास की चीजों को बदल सके। जैसे कि हम राजा बन जाए, हमारी चारपाई हवा में उड़ने लगे, हमारे पास अच्छा सा घर हो, हमारे पास ऐसी पेंसिल या पेन हो जिससे हम लिखें या जो भी चीज बनाए वही हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन हमारे पास मैजिकल पावर्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं। क्या आप कुछ चेंजेस के बारे में बताओगे जिनके अंदर मैजिक भी नहीं होता लेकिन फिर भी चेंजेस होते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स। द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। आर देयर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? इसका मीनिंग है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, यानी परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं जो अपने आप ही हो रहे हैं। जैसे खेतों में फसलें ग्रो होती हैं, फिर वे पक जाती हैं, उनको काटा जाता है, लीव्स ट्रीज से गिर जाती हैं, फिर उनका कलर चेंज हो जाता है और वे सूख जाती हैं, फ्लावर्स खिलते हैं फिर वे मुरझा जाते हैं और वे टूट के गिर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत से चेंज हो रही हैं? हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे हेयर की भी ग्रोथ होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी हाइट बढ़ती है और आपका वेट भी बढ़ता है। तो क्या आपको पता था इतने सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं? अब ये चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे आसपास, इनको ग्रुप कैसे करते हैं? इनको ग्रुप करने के लिए हम टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी वन, एक बैलून लेंगे और इसके अंदर हम हवा भरेंगे। हम इतनी ज्यादा हवा भरेंगे कि ये फूटे ना। अब आप इस एक्टिविटी को फिगर के अंदर देख सकते हैं कि बैलून के अंदर हवा भर गई है। अब क्या करेंगे, हम इस बैलून से हवा को निकाल देंगे। बैलून से हवा को निकालने के बाद क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है? यस और नॉट? यस। When the air escapes out the balloon, it comes to its original shape. Activity second. Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. हम एक कागज का टुकड़ा लेंगे और इससे हम एक टॉय एरोप्लेन बनाएंगे। इसके बाद इसको हम अनफोल्ड कर देंगे। दोबारा से हमारे पास पेपर आ जाएगा जैसा ये हमारे पास पहले था। आप फिगर 6.2 में इसको देख सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी करेंगे। जैसे हमारे पास गूंदा हुआ डफ है, इसकी हम बॉल बनाएंगे और बॉल से हम रोटी बनाएंगे। रोटी की शेप तो आपको पता है, ये गोल होती है। अगर हम इससे दोबारा बॉल बनाना चाहें तो ये बनेगी या नहीं बनेगी? ये बन जाएगी। अब हमने तीन एक्टिविटीज करी, 6.1, 6.2 और 6.3। इन एक्टिविटीज में क्या होता है कि बैलून वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सेकंड एक्टिविटी में पेपर का जो ओरिजिनल शेप था वो वापस आ जाता है। तीसरे में क्या था, जो बॉल ऑफ डफ थी वो दोबारा से हमारी वापिस आ जाती है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है? इससे कंक्लूजन मिलता है
कि चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड, इन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी फोर। हम एक सेम ही बैलून ले सकते हैं जो पहले एक्टिविटी फर्स्ट में लिया था, उसको हम फुलाएंगे, हवा डालेंगे उसके अंदर, फिर इसको हम क्या करेंगे, एक साइड से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद हम इसकी हवा निकाल लेंगे, लेकिन अब की बार इसको ऐसे हवा नहीं निकालनी है, इसमें अब की बार हमने सुई से या पेंसिल से चुभोना है उसको इसके अंदर, तो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, गुब्बारा आपका फट जाएगा। तो जिस पोजीशन में गुब्बारा हमारे पास पहले था, क्या पेंसिल के चुभने के बाद वैसी ही पोजीशन है हमारे गुब्बारे की? नहीं। एक एक्टिविटी और करके देखेंगे हम। एक कागज का टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर में आपको एक एरोप्लेन दिखा रखा है 6.4 में, हम कोई और फिगर भी बना सकते हैं, जैसे आप उसमें कोई सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर उसको कैंची से उसकी आउटलाइन काट लो। आउटलाइन काटने के बाद जो हमारा टॉय आ गया, एरोप्लेन है या सर्कल है, क्या हम इसको दोबारा से जोड़ सकते हैं? नहीं। एक एक्टिविटी करेंगे, जो हमने एक्टिविटी थर्ड करी थी वही यूज करेंगे इसमें। जैसे हमने रोटी बनाई, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, उसको तवे पे बेक कर लेंगे, उसको सेक लेंगे, तो क्या हम इसकी दोबारा से वापस से हम इसकी बोल बना सकते हैं? नहीं, हम इसकी बोल नहीं बना सकते। हमने अब 4, 5 और 6 तीन एक्टिविटीज की, तीनों में क्या हुआ कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ना तो हमें बैलून मिला ओरिजिनल शेप में, ना हमें पेपर मिला, और ना ही हमें रोटी सेकने के बाद दोबारा बॉल मिली डफ की। तो ये चेंजेस हैं विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटीज 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इन एक्टिविटीज के बेस पे हम कह सकते हैं कि चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल विच कैन बी रिवर्स्ड, सेकेंड इरिवर्सिबल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप ड्राइंग करते हो, पेंसिल और इरेजर यूज करते हो, जब उनका रिपीटेड यूज करोगे तो इरेजर की शेप चेंज हो जाएगी, पेंसिल की जो लेंथ है अगर वो 15 सेंटीमीटर की है तो रिपीटेड यूज से वो 5 या 6 सेंटीमीटर की रह जाएगी, तो क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। आपने पोटर वर्किंग के बारे में जानते होंगे, क्ले से क्या बनाता है पोटर, बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर वो उनको पकाता है ओवन के अंदर, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? नहीं। एक बार अगर बर्तन बन के तैयार हो जाता है, मटका बन के तैयार हो जाता है, तो उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, उससे हम क्ले दोबारा नहीं बना सकते। आप टेबल 6.1 देखो, इसके अंदर चेंज दिया हुआ है एक साइड में, और एक साइड में ये बताना है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फर्स्ट, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बैटर टू इडली, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, इट कैन बी रिवर्स्ड, बिकॉज इफ वी हैव ड्राई क्लोथ्स देन पुट वॉटर ऑन देम दे विल बिकम वेट। नेक्स्ट, वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, यस, बिकॉज इफ वी हैव ए निटेड स्वेटर देन वी कैन गेट द वुलन यार्न बाय अनफोल्डिंग इट। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, नो, अगर हमारे पास गेहूं से आटा बन गया तो आटे से गेहूं हम दोबारा नहीं बना सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस, अगर हमारे पास कोल्ड मिल्क हॉट कर दिया हमने तो उसको हम दोबारा से ठंडा कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, यस, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट स्ट्रिंग है और उसको हमने कॉइल्ड कर दिया, दोबारा से हम उसको अनफोल्ड करके स्ट्रेट कर सकते हैं। बड टू फ्लावर, अगर हमारे पास कोई फूल है, कलियां
कली है और वो फूल बन गई है तो उसको हम दोबारा से बड नहीं बना सकते। सो इट्स आंसर इज नो। मिल्क टू पनीर, नो। काउ डंग टू बायोगैस, नो। स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, हमारे पास कोई रबड़ बैंड है जैसे बालों में डालने वाली होती है, उसको हम खींचेंगे और दोबारा से हम उसको छोड़ देंगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इट्स आंसर इज यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस। आइसक्रीम को अगर मेल्ट हो जाती है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, दोबारा से हम जमा लेंगे, दोबारा से आइसक्रीम फिर जम जाएगी। नेक्स्ट 6.2, कुड देयर बी एनी वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या चेंज लाने का कोई और भी तरीका है। We all have seen the tools which are used to dig the soil. आप figure 6.6 देखो, ये agricultural instruments दे रखे हैं। Agricultural instruments के दो part होते हैं, जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं वो wood का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और जिससे मिट्टी को dug किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, वो part लोहे का होता है। जो लोहे का part होता है, लकड़ी का part उसमें fix करने के लिए लोहे के part के अंदर एक ring होती है। रिंग का साइज लकड़ी के गुटके से कम होता है, तो जब लकड़ी के गुटका अगर बड़े साइज का है तो वो कैसे इसके अंदर फिट होएगा। लोहे के पार्ट को गर्म किया जाता है, जो ये सर्कुलर पोर्शन दिखा रखा है इसके अंदर फिगर 6.6 के अंदर, इसको रिंग बोलते हैं। इसको रिंग को थोड़ा सा गर्म किया जाता है, गर्म होने के बाद इसका साइज बढ़ जाता है। इसको हम बोल सकते हैं द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। स्लाइटली लार्जर इन साइज मीन्स इट एक्सपेंड्स एंड द हैंडल कैन इजीली बी फिटेड इन टू द रिंग। अब हम लकड़ी के हैंडल को इसमें आसानी से फिट कर लेंगे। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब लोहे की जो छेद बना हुआ है अगर वो ठंडा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो हैंडल इसमें आसानी से फिट हो जाएगा और वो बिल्कुल टाइट रहेगा। आपने शोला फिल्म तो देखी होगी, शोले फिल्म के अंदर बसंती तांगा चलाती है, तो तांगे का फोटो आपके दिमाग में आ गया होगा। आप उसका पहिया इसके फोटो में भी देख सकते हैं फिगर 6.7 में। इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का पहिया होता है और उसके चारों तरफ एक मेटल रिम होती है। जो मेटल रिम होती है इसका साइज पहिए के साइज से थोड़ा कम होता है, तो इसके ऊपर ये चढ़ेगी कैसे। तो मेटल रिम को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसका साइज बढ़ जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है और ये लकड़ी के पहिए के ऊपर आसानी से चढ़ जाती है। या तो उसको ठंडा होने के लिए कुछ टाइम रख दो या फिर वो अपने आप भी ठंडी हो जाती है और मेटल रिम लकड़ी के पहिए के ऊपर टाइटली फिट हो जाती है। वाटर वेपर्स गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड व्हेन वाटर इज कूल्ड। We have studied in chapter 5th the processes of condensation and evaporation. तो evaporation में क्या हुआ था? Water गर्म किया जाता है, vapors बन जाते हैं, vapors को cool किया जाता है और वे दोबारा से water की form में convert हो जाते हैं। बुज्जो ने एक question पूछा है कि जो truck कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, रोड बनाते हैं, उनके पास एक ब्लैक मटेरियल होता है, कोल टार बोलते हैं इसको, रोड की रिपेयर करने के लिए। शी वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन टार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज कोल टार गेट्स हार्ड ऑन आफ्टर सम टाइम। नाउ I am finishing the topic here. Rest of the matter I will discuss in the class 2nd. Okay, bye bachcho. Agar aap